आ गया मजेदार मंडे। रेलगाड़ी चक 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 चक, रेलगाड़ी चक 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 चक। अरे अरे हट जाओ सामने से, रेलगाड़ी आ रही है। बच्चों हमारी रेलगाड़ी कितनी प्यारी है, लेकिन ये जा कहाँ रही है? हेलो सूरज चाचू, आज हम रेलगाड़ी का सफर करेंगे। बच्चों इसमें बैठकर कहाँ जाना है पता है? नानी के घर। ये आ गया हमारा मंडे द मॉन्स्टर, हमारा मस्ती खोर हीरो। आज ये हमें गिनती और फलों के नाम बताएगा। इसमें बहुत मजा आएगा बच्चों, तैयार हो जाओ। कुकू चुक 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 चुक। चलो अब साथ में सीखते हैं। एक जो पीले रंग का है और इसके साथ है लाल रंग का एक सेब। दो, ये है नीले रंग का और इसके साथ है दो चेरीज, ये भी लाल है। ये है तीन जो बैगनी रंग का है और उसके साथ है तीन नीले रंग की ब्लूबेरीज। अब आ रहा है नंबर चार, ये है हरे रंग का और इसके साथ है चार लाल रंग की स्ट्रॉबेरीज। देखते हैं अगला नंबर क्या है। ये है पाँच जो लाल रंग का है और इसके साथ है हरे रंग की पाँच नाशपाती। अगला नंबर है छः जो है नीले रंग का और इसके साथ है छः पीले पीले केले। अगला नंबर है सात, ये हरे रंग का है और इसके साथ है चुक 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 सात तरबूज के टुकड़े। हमारा अगला नंबर है आठ, ये है नीले रंग का और इसके साथ है आठ अनानास। अगला नंबर है नौ, ये है गुलाबी रंग का और इसके साथ है नौ नारंगी रंग के संतरे। आखिरी नंबर है दस और इसके साथ है दस अंगूर के गुच्छे। फिर से गिने, दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक। शाबाश बच्चों, मजा आया ना? अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय। चिक 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 चिक। हाय दोस्तों, आज मंडे आ गया है एक आइसक्रीम लैंड में और ये है एक बेरंगी आइसक्रीम। और मंडे को एक आइडिया आया है, वो भी रेनबो यानी इंद्रधनुष को देखकर। मंडे लेकर आ गया एक उड़न खटोला और ये उड़ता हुआ कहाँ जाने वाला है? मंडे बताओ ना तुम कहाँ जा रहे हो? और ऊपर उड़ते उड़ते वो पहुँच गया इंद्रधनुष के पास और मंडे के पास है एक पिचकारी। अब ये इंद्रधनुष से रंग ले रहा है। बच्चों क्या तुम जानते हो इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं और सात रंगों के मिलने से ये बहुत सुंदर लगता है। क्या तुम लोगों ने कभी इंद्रधनुष देखा है? वैसे जब बारिश हो जाती है और उसके बाद हल्की हल्की धूप निकलती है तब ये इंद्रधनुष नजर आता है। लगता है आज मंडे इंद्रधनुष के सारे रंग लेकर ही रहेगा। अरे बस करो ना मंडे। लेकिन इतने सारे रंगों का हमारा मॉन्स्टर करने क्या वाला है? पता नहीं, मंडे को जो आइडिया आया है वो तो वो ही जाने। अब मंडे ने सातों के सातों रंग ले लिए हैं। अब इनके साथ ये क्या करेगा? ओह, ये बेरंगी आइसक्रीम में रंग भर रहा है। पहला रंग है रेड यानी लाल। अब जाएगा दूसरा रंग जो है ऑरेंज यानी नारंगी। याद है ना बच्चों, संतरा भी इसी रंग का होता है। अगला रंग है येलो यानी कि पीला। शायद ये मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम होगी क्योंकि मैंगो यानी आम भी पीला होता है। अब ये सुंदर लग रहा है ना बच्चों? अगला रंग है ग्रीन यानी कि हरा। जानते हो ना बच्चों, हमारा मंडे द मॉन्स्टर भी इसी रंग का है। अब देखते हैं कि अगला रंग कौन सा है। ये है स्काई ब्लू यानी आसमानी नीला। ये रंग डालने के बाद आइसक्रीम कितनी अच्छी लग रही है। देखते हैं छठा रंग कौन सा है। ये है इंडिगो यानी कि नीला। अब बारी है सातवें और आखिरी रंग की। ये है वायलेट यानी कि बैंगनी। हमारे मॉन्स्टर ने पूरी आइसक्रीम में रंग भर दिया। जरा देखो बच्चों, ये कितनी सुंदर लग रही है। ये हो गई एक सतरंगी आइसक्रीम, बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। हेलो बच्चों, मैं जो कभी दिखाई नहीं देता और आपका दोस्त मंडे द मॉन्स्टर वापस आ गए हैं। आज देखते हैं मंडे क्या करने वाला है। ये है एक बगीचे में
और ये एक पेड़ है। हमारा मॉन्स्टर कूद कर पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर कोशिश नाकाम हो जाने पर उसने अपने पैर पटके और ये फल नीचे आ गिरे। ये है एक मैंगो, यानी आम फलों का राजा। अब हमारा मॉन्स्टर अपने पैरों को पटक कर इन फलों को लुढ़का रहा है और ये लुढ़कते हुए जा गिरे इस बोल में। अब हमारा मॉन्स्टर इन फलों के साथ क्या करने वाला है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे मॉन्स्टर ने बजाई सीटी और आ गई जादू की छड़ी और अब जादूगर की टोपी भी। वाओ मंडे, आबरा का डाबरा गिली गिली छू और फल बन गए एक पीले रंग की आइसक्रीम। हमारा मॉन्स्टर इस आइसक्रीम को खाकर आगे चला दूसरे पेड़ की ओर। इस पेड़ पर भी बहुत सारे फल लगे हुए हैं। ये कूद कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहा है और फिर से पुराना तरीका ही आजमा रहा है। फल आ गए पेड़ से नीचे। ये है एक एप्पल, यानी सेब। अब जोर से अपने पैर पटको, डुम 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 डुम, और ये फल लुढ़क कर चले गए फिर से एक बार बोल में। मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ हमारा मॉन्स्टर क्या कर रहा है। अब ये एक बार फिर से सीटी बजाकर बुलाएगा अपनी जादू की छड़ी और हाँ, साथ ही जादूगर की टोपी भी। बच्चों हमारे साथ बोलना, आबरा का डाबरा गिली गिली छू और सेब बन गए एक लाल रंग की आइसक्रीम। इसे खाने के बाद हमारा मॉन्स्टर चल पड़ा अगले पेड़ की ओर। इस पेड़ पर भी बहुत सारे फल हैं बच्चों, और कूदना काम ना आने पर हमारा मॉन्स्टर अपने पैर पटकने लगा और सारे फल एक बार फिर से नीचे आ गए। ये है एक ऑरेंज, यानी कि संतरा, और अब एक बार फिर अपने पैर पटक कर मॉन्स्टर फलों को ले जाएगा टोकरी के अंदर। और बच्चों अब तक तो तुम भी समझ गए होगे कि हमारा मॉन्स्टर क्या करने वाला है। अब ये बनने वाला है जादूगर। ये बजी सीटी, आ गई जादू की छड़ी और साथ ही जादूगर की टोपी भी। एक बार फिर से साथ में कहो, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। ये बन गई नारंगी रंग की एक आइसक्रीम। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। हाय बच्चों, हम दोनों फिर आ गए हैं। मैं जो कभी दिखाई नहीं देता और आपका दोस्त मंडे द मॉन्स्टर। लेकिन ये क्या कर रहा है? लगता है इसे कैंडी खानी है। बच्चों तुम्हें भी कैंडी खानी है ना? तो फिर खा लो जैसे मंडे खाने जा रहा है। अरे ये क्या हुआ, कैंडी गायब हो गई। लेकिन क्यों? मंडे को कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। लगता है एक पजल सुलझाना पड़ेगा। चलो ये भी सुलझा लेते हैं। मंडे को चुनौतियों से डर नहीं लगता। ये चल पड़ा और बहुत खुश भी लग रहा है। यहाँ इसे ढूंढने हैं तीन फल। चलो चलो बच्चों, तुम लोग भी ढूंढो। पहला फल है एप्पल, यानी सेब, और बच्चों रोज एक सेब खाना चाहिए। दूसरा फल है मैंगो, यानी आम, फलों का राजा। अब देखते हैं कि तीसरा फल कौन सा है। ये तो है ऑरेंज, यानी संतरा। हुर्रे, मंडे ने तीनों फल ढूंढ लिए, संतरा, सेब और आम। देखा, अपने हीरो ने कर दिखाया। पहला पजल तो सुलझा लिया। अब देखते हैं अगला टास्क क्या है। अब मंडे अपनी कैंडी से बस दो टास्क दूर है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। इस टास्क में हमें आकार बताने हैं। बच्चों पहला आकार है सर्कल, यानी गोलाकार, जैसे गेंद होती है। दूसरा आकार है स्क्वायर, यानी कि चौकोर। अब तीसरा आकार है ट्रायंगल, यानी त्रिकोण, और सबसे आखिर में है रेक्टेंगल, यानी कि समकोण। याद रहेगा ना बच्चों? हुर्रे! मंडे ने दूसरे टास्क को भी पूरा कर दिया। क्या बात है, मंडे तो बहुत समझदार है। देखते हैं अगला टास्क क्या है। रेनबो यानी इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? टडा! पहला है वायलेट, यानी बैंगनी। टडा! दूसरा है इंडिगो, यानी नीला, और तीसरा है स्काई ब्लू, यानी कि आसमानी नीला, और चौथा रंग है ग्रीन, यानी हरा, हमारे मॉन्स्टर की तरह। पांचवा रंग है येलो, यानी पीला। ये है मेरा पसंदीदा रंग। टडा! छठा रंग है ऑरेंज, यानी नारंगी,
और सातवां रंग है रेड यानी लाल। वाओ, इंद्रधनुष के सारे रंग कितने प्यारे लग रहे हैं। हमारे मंडे मॉन्स्टर का जवाब ही नहीं, अब सारे टास्क पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब हमारे मॉन्स्टर को मिलेगी कैंडी। वुहू! देखा बच्चों, मेहनत का फल मीठा होता है। मंडे, तुम हो एक स्टार। अगली बार फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, हम वापस आ गए हैं। मैं जो कभी दिखाई नहीं देता और आपका फेवरेट मंडे द मॉन्स्टर जो पुराने एनुअल डे का वीडियो देख रहा है। डायनो मंडे के लिए ढेर सारे स्नैक्स लेकर आया है। स्नैक्स खाते खाते वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा। तो मंडे सबसे पहले क्या खाओगे? जल्दी जल्दी आइसक्रीम खा लो वरना पिघल जाएगी। यम्मी, आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी लग रही है। ये क्या, टिम ने आइसक्रीम देख ली? लगता है टिम को भी आइसक्रीम खानी है, लेकिन टिम टीवी के अंदर है और मंडे टीवी के बाहर। अब टिम क्या करेगा? मंडे तो तेजी से आइसक्रीम खा रहा है। ओ, ये कैसा जादू है, टिम टीवी से बाहर आया और आइसक्रीम लेकर अंदर चला गया। ओ मंडे, उदास होने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास अब भी ढेर सारे स्नैक्स हैं, वो खा लो। हे, ये है हमारे मॉन्स्टर का दोस्त लूक, और लूक तुम्हारा पॉपकॉर्न लेकर जा रहा है। लूक रुको, ओ नो, पॉपकॉर्न तो चला गया लेकिन बर्गर अब भी बचा है। ओ, ये क्या हो रहा है, बर्गर गायब? ओ, तुम्हारे स्नैक्स कौन ले गया मंडे? यहाँ भी कोई नहीं, वहाँ भी कोई नहीं, ना कोई यहाँ से आया ना यहाँ से, तो स्नैक्स गए कहाँ? चलो ढूंढते हैं कि स्नैक्स कहाँ गए। ओ लूक और टिम, तुम यहाँ किचन में मंडे के स्नैक्स खा रहे हो। देखो मंडे, तुम्हारे दोस्तों को पता चल गया कि जो उन्होंने किया वो गलत था और वो तुम्हारे स्नैक्स लेकर वापस आ गए। तो बच्चों, अगर कुछ चाहिए तो हमेशा पूछ कर लो और प्लीज जरूर कहो। बाय बाय। हाय बच्चों, हम दोनों फिर आ गए हैं। मैं जो कभी दिखाई नहीं देता और आपका दोस्त मंडे द मॉन्स्टर। ये क्या, मंडे के लिए गिफ्ट? अब किसी को भी एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा तो वो कितना खुश होगा। वैसे ही हमारा मॉन्स्टर भी बहुत खुश है। देखें इसके अंदर क्या है। ओह, ये तो खाली है। बच्चों, ऐसे हंसते नहीं है, हमारा मंडे डर गया ना। ओह, कितना सैड हो गया, पर क्यूट लग रहा है। ये है केंट, हमारे हीरो का बेस्ट फ्रेंड। ये क्या, मंडे को एक कमाल का आइडिया आया है। अब दोस्तों के बीच इतनी शरारत तो चलती रहती है, क्यों? अरे ये क्या हुआ, केंट को प्लेन मिला और हमारे हीरो को जोकर? किसी ने शरारत की है, लगता है इस बॉक्स के अंदर ही कुछ गड़बड़। नो, ओह सॉरी, और ये गया बॉक्स सीधे घर के बाहर। ये है मॉन्स्टर का फ्रेंड लूक। देखते हैं अब इसे जोकर मिलता है या कुछ और। शायद आज हमारे मंडे द मॉन्स्टर का दिन ही ठीक नहीं है। लूक को मिल गई एक कार और हमारा मॉन्स्टर उदास हुआ फिर एक बार। लाइफ में हमें हमेशा वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए, लेकिन जो मिला है उसे ही दोस्त बना लो। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजेदार मंडे।